हेलो हेलो हेलो, क्वर्की की सवारी आज चली है सेफोरा सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत में। रेयर ब्यूटी हैज़ फाइनली लॉन्च्ड इन इंडिया। 15 जून को लॉन्च हो गया था, 11 बजे सेफोरा के स्टोर्स खुलते हैं। बट सिंस आई वाज अ सेफोरा ब्लैक मेंबर, तो मेरे लिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव एंट्री थी सुबह सुबह 10 बजे की, तो मैं फटाफट चली गई। एंड दिस इज व्हाट द ग्रैंड लॉन्च लुक्स लाइक। दे लिटरली हैड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि पॉपुलर है वेस्ट में, रेयर ब्यूटी लिप प्रोडक्ट्स, हाइलाइटर्स, इल्यूमिनेटर्स। एंड आई थॉट कि 10 बजे भीड़ नहीं होगी, बट देयर वर सो मेनी पीपल प्रेजेंट ऑलरेडी। लकीली मैं भी टाइम पे ही थी, तो मुझे सेल्स एसोसिएट वहां पे बहुत जल्दी मिल गई, जो मुझे कंसीलर के शेड्स ट्राई करा रही थी। आई ट्राइड सो मेनी शेड्स, आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे रेयर ब्यूटी के मिरर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आप पीछे बैठ के टेस्टर सैंपल्स ट्राई कर सकते हो अपने ऊपर, एंड सारे शेड्स ट्राई कर सकते हो। सो आई ट्राइड अ लॉट ऑफ देयर फाउंडेशन एज वेल, टिंटेड मॉइस्चराइजर्स। एंड मैं मम्मी से अपनी पूछ रही थी कि कौन सा वाला शेड सही लग रहा है। दिस प्लेस वॉज सच अ हेवन फॉर मेकअप एंड ब्यूटी लवर्स। वी वर ऑल इंटरक्टिंग विद ईच अदर एंड आई ऑल्सो ट्राइड देयर हाइलाइटर्स। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी ये पता लगाने में कि मुझ पे सबसे अच्छा शेड कौन सा लगेगा, क्योंकि अभी तक रेयर ब्यूटी मैंने ज्यादातर वेस्टर्न यूट्यूबर्स पे ही देखा है। एंड आई डिड नॉट नो कि क्या शेड सबसे अच्छी इंडियन स्किन टोन पे लगेगी या मेरी स्किन टोन पे लगेगी। सो हेयर इज वेयर द सेल्स एसोसिएट फ्रॉम सेफोरा वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। शी लिटरली ट्राइड ऑल ऑफ द शेड्स दैट वर अवेलेबल, एंड मैं जो पिक कर रही थी वो उसका फ्रेश स्टॉक मेरे लिए ला रही थी। मैंने यहाँ पे मस्कारा भी देखी, आई ऑल्सो फेल इन लव विद आई प्रोडक्ट आर समथिंग जो कि अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग जाने लगे हैं रिसेंटली। सो आई ऑल्सो ट्राइड देयर फेल्ट टिप वाला जो आई लाइनर है, एंड पहले ही स्ट्रोक में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा ये। इट वॉज सुपर ब्लैक एंड पिगमेंटेड। नाउ आई मेकअप में आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई देयर लिक्विड आई शेडोज जो मैट में कन्वर्ट हो जाती है, बट सैडली इट वॉज नॉट अवेलेबल एंड नॉट फाउंड एनीवेयर। बट दिस पैलेट वॉज अवेलेबल जिसके शेड्स मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे। इट वॉज अ गुड मिक्स ऑफ पिंक्स एंड न्यूट्रल्स एंड ग्लिटर्स। सो आई एम प्लानिंग कि मैं एक फुल फेस ऑफ रेयर ब्यूटी मेकअप करूं। सो मैं लिटरली बेस से लेके लास्ट सेटिंग पाउडर या सेटिंग स्प्रे तक सब कुछ लेने वाली हूँ। आई नो इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, बट आई रियली वॉन्ट टू डू दैट रिव्यू फॉर यू गाइस। सो यहाँ मैं बहुत सारे अलग अलग लिप शेड्स ट्राई कर रही हूँ। दे हैड देयर लिप सूफ्लेज, मैट लिपस्टिक्स एज वेल एज लिप ऑयल्स, जो कि आजकल बहुत ज्यादा रेज में चल रहे हैं। लाइक लिप ऑयल्स के पीछे तो पूरी दुनिया दीवानी हो रही है। एंड शी ऑल्सो मेड मी ट्राई देयर लिप लाइनर्स। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, बट शी वॉज लाइक इसके साथ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन्फ्लुएंसर गॉट इन्फ्लुएंस्ड, एंड मैंने काफी सारी चीजें उनकी रिकमेंडेशन पे ले ली। माय बकेट वाज लिटरली फुल। सेफोरा में ज्यादातर फिल्मिंग अलाउड नहीं होती है, सो आई एम जस्ट फिल्मिंग द स्वॉचेस ऑन माय हैंड ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। द होल एक्सपीरियंस इज सुपर ग्रेट, बट विद इन वन आवर 10 से लेके 11 तक काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। आई ऑल्सो चेक्ड ऑनलाइन भी काफी प्रोडक्ट्स एंड शेड्स लिटरली जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक आ रहे थे। शी ऑल्सो मेड मी ट्राई दिस ब्रॉन्जर। सो दिस इज द हाल, पीछे आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ रेयर ब्यूटी के काउंटर पे ही इतनी ज्यादा भीड़ थी। फटाफट से हमने बिलिंग करा ली, काफी लंबा चौड़ा बिल आया जो मैं आपको बताऊंगी। बट एनीथिंग फॉर यू गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, बिकॉज आई हैव सेफोरा गिफ्ट कार्ड्स फॉर यू गाइज, ताकि आप भी रेयर ब्यूटी एंजॉय कर सको। मैंने तो कर ली ढेर सारी शॉपिंग सेफोरा सिलेक्ट सिटी वॉक से। नाउ लेट्स गो रिव्यू दीज प्रोडक्ट्स। Besties, I'm back to the studio and I shopped for over 50,000 rupees. I don't know if I need these products in my life, but Rare Beauty is something which I really wanted to review for you guys. In case you like one item from my review, that will make my day, and all of this kharcha will be worth it. I really want to do more beauty reviews. Normal girls like us love to do makeup, and ye aapko ek normal girl ke perspective se hi pata chalega. And I shopped so much yahan se that they had to give me goodies. So Sephora gave me Rare Beauty goodies. Ye wahan pe one size hoodie mil है इतने प्यारे ब्लश पिंक कलर की, एंड इसके ऊपर रेयर ब्यूटी लिखा हुआ है। दे आल्सो गिव मी दिस रेयर रिमाइंडर का ब्रेसलेट। दिस इज व्हाट द ब्रेसलेट लुक्स लाइक, वेरी प्रिटी एंड सिंपल। ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोना डू अ फुल फेस ऑफ रेयर ब्यूटी मेकअप। आई ऑलरेडी ओन 2 to 3 प्रोडक्ट्स पहले जो मैं इंस्टाग्राम स्टोर से मंगा चुकी हूँ रेयर ब्यूटी के, एंड मुझे गिफ्ट में मिले हैं। बाकी सारी चीजें मैंने खुद खर्ची हुई है, एंड यू गाइस कैन सी। सो आई हैव प्रेप माय फेस जस्ट लाइक आई डू बिफोर पुटिंग ऑन एनी मेकअप। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द रेयर ब्यूटी प्राइमर फर्स्ट। ये मेरे पास पहले से था, दिस वॉज गिफ्टेड, एंड इट इज देयर डिफ्यूजिंग प्राइमर। आई कांट से कि एक भी प्रोडक्ट सस्ता है, एवरीथिंग इज लाइक अबव 2,000 rupees, 3,000 rupees, एंड दैट इज व्हाई वांटेड टू डू अ रिव्यू, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ अस आर सेलिना फैंस, बट नॉट अ लॉट ऑफ अस कैन अफोर्ड दिस। सो आई यूज दिस प्राइमर अ फ्यू टाइम्स। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है, कम्स विद अ पंप लाइक दिस, सो इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल विद। दे डू हैव एन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर जो आप ड्राई स्किन वाले लोग यूज कर सकते हो। आई हैव ऑयली स्किन, सो मेरे सारे प्रोडक्ट्स उस हिसाब से मैं जज कर पाऊंगी बेटर। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ये मॉइस्चराइजर का इफेक्ट ज्यादा देता है रादर देन अ पोर डिफ्यूजिंग प्राइमर। आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इसमें ना एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का इफेक्ट मिलता है, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट हैज डिफ्यूज एनीथिंग इन माई पोर्स। माई पोर्स आर स्टिल वेरी विजिबल, एंड मेरे काफी एनलार्ज पोर्स है बिकॉज आई हैव ऑयली
oily skin. The mini size in the primer is for 2000 rupees and ye jo full size hai primer ka it's for 3600 rupees and personally main isko pass karna chahungi. For oily skin I feel we can do much much better. I mean India mein hi bahut sare product hai jo pores ko bahut achhi tarah blur kar dete hai. They act as a very good primer for oily skin and this is totally not worth the price. Let's start off with the products that I actually got. So the first thing is the Rare Beauty Positive Light Under Eye Brightener. This metal applicator jisko aap apni under eyes pe lagaoge to ek cooling effect bhi milega and I feel like ye summers mein bahut sahi rahega. So this is supposed to be applied under your concealer. It's supposed to be lightweight, so let's check it out ke mere upar kaise perform karta hai. One side I blended with my fingers and dusri side pe maine beauty sponge apna use kiya regular wala and dono hi cases mein ye bahut beautifully blend hua hai and it is so lightweight. Like mujhe lag nahi raha hai ki maine apni under eyes ke niche kuch bhi lagaya, but it has provided a very nice brightening effect. Of course iske upar jab main apna yellow tone wala concealer lagaungi thoda warm tone ka tab ye aur acha lagega kyunki ye grayness bhi cancel ho jayegi. This product is for 3100 rupees. It definitely works. Will I include this in my beauty routine? Definitely yes. Next up is the Liquid Touch Brightening Concealer. I have bought the shade 310W. I always go for a yellow tone for my concealer kyunki wo meri eyes ko sabse zyada suit karta hai and all of these products by Rare Beauty are also made taking those people in consideration jinko arthritis ka problem hota hai and bahut zyada pain hota hai products kholne mein. So isko aap easily aise pakad ke grip ke sath khol paoge and that is just so sweet. Definitely iske applicator ka itna uncha angle hai and is angle ki wajah se upar product kafi time tak saved up rehta hai. So a little goes a very long way with this product. Now this concealer is for 2800 rupees and I have another product to test out with this, which is their foundation brush. Unke concealer brush bhi hote hain, blush wale brush bhi hote hain, but I felt like foundation brush se aap foundation bhi blend kar sakte ho, concealer bhi blend kar sakte ho and you can use it pretty much for anything, contour ke liye, blush ke liye. It's just about aapki application aur kis angle mein aap laga rahe ho. But this brush is for 3800 rupees. This is a very expensive brush. I feel like isme mera kya kya nahi aa jata. This is very very lightweight and ye brush bahut acha kaam kar raha hai. Like mujhe bilkul effort nahi karna pad raha isko blend karne mein. Wow, I mean this has given my forehead that plain look. Wow, I am shook to my very core. This brush is just so amazing. I feel like mere ko log maar dalenge kyunki main almost 4000 ke brush ko bolne wali hu ki ye worth hai, but the seamless finish, oh my god, ये मेरा beauty sponge नहीं दे पाता है ये वाली finish. I feel like जो आप Bollywood celebrities को देखते हो ना कि इतना flawless airbrush makeup है, ये brush मुझे वो look दे रहा है and of course it's the concealer also. So Rare Beauty does have different foundations. एक थोड़ी उनकी buildable medium to full coverage की होती है and एक होता है उनका tinted moisturizer with SPF. So I thought क्योंकि अभी गर्मी का time चल रहा है, this is the best product जिनमें हम सबसे ज्यादा invested होंगे. I do not use full coverage foundation on an everyday basis. Positive light tinted moisturizer and this is with SPF 20. मेरा shade है 22W. Okay, so it definitely doesn't blend that well with the brush because it's a tinted moisturizer plus साथ में SPF भी है. So I did try blending it with my beauty blender and उससे बिल्कुल सही से blend हो गया. I feel like the coverage is quite good for a tinted moisturizer. It's not that हल्का, मुझे लगा था बहुत ही ज़्यादा sheer coverage होगी, but it has covered all my darkness and जो भी uneven skin tone है quite well. मेरी जो skin shade अभी हुई पड़ी है, I am tan after Mumbai. मैंने बिल्कुल एक भी facial नहीं कराया है, so ये हल्की सी मुझ पे light लग रही है. Definitely it is my winter shade. या फिर जब मैं फेशियल अच्छे से स्क्रब वगैरह एंटी टैन वाला फेस पैक लगवाती हूँ ना, उसके बाद जो मेरी स्किन टोन होती है वो उसको मेरी ट्रू स्किन टोन को बहुत अच्छी तरह मैच करता है एंड दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली समथिंग जो मैं ऑन एन एवरीडे बेसिस यूज करूंगी. वी ऑल्सो हैव दिस प्रोडक्ट जो मुझे बहुत मन था लेने का. दिस इज ऑलवेज एन ऑप्टिमिस्ट 4-in-1 मिस्ट. सो इसको आप अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए भी बिफोर मेकअप यूज कर सकते हो, मेकअप लगाने के बाद इसको सेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो. जनरली इट विल हाइड्रेट योर स्किन, रिफ्रेश योर स्किन एंड इट इज अ 4-in-1 मिस्ट. वाओ, oh my god, it does smell like a spa. इसका जो स्प्रे एटमाइजर है वो बहुत ज्यादा फाइन है. इट डजंट इवन फील कि आपके मुंह पे बूंदे भी पड़ रही हैं. सो आई एम रियली, oh my god, I'm loving this. I'm loving how my face smells right now. It is such a good mist, but it must be expensive. This is for 3500 rupees. But I love it. I don't know what to say. It's not definitely a necessity in your life. Main abhi MAC ka lavender wala fix plus use karti hu, but I'm definitely willing to switch it with this one because this is better than that. I do have this blush with me jo gifted tha, but I never really liked this blush. Like it is too creamy for my choice. Mere face se ye 2 minute mein ud jati hai. But I do have the soft pinch liquid blushes and I absolutely love this. Even one drop is a lot. Like a tiny bit goes a very long way. ये मैंने एक Instagram store Glam Destination से मंगाया था the छोटू size because इसको भी खत्म करना बहुत impossible है. And this shade is called Truth. बहुत ही अच्छे shade names है. But the one that I purchased today because I've been wanting to try it out for myself is the shade Hope. I took such a little amount, but you guys can see it is so freaking pigmented. But the best part जो मुझे बहुत ज़्यादा इस time पे खुशी दे रहा है is that ये वाला जो blush shade है वो मेरी skin tone पे बहुत ज़्यादा pretty लग रहा है.
आई वॉज वरीड इफ इट विल वॉश मी आउट बट द सेल्स एसोसिएट देयर टोल्ड मी के मुझ पे बहुत ज्यादा सूट करेगा एंड शी वॉज राइट. जो भी इसका लेफ्ट ओवर है ना वही मैं अपनी नोज पे थोड़ा सा ऐसे अपनी उंगली से लगा देने वाली हूँ. एंड आई लव द फैक्ट दैट ये उंगलियों से भी ऐसे ब्लेंडेबल है नॉर्मली. सिंस आई एम ब्लेंडिंग विद माई फिंगर्स ना मैं पास से देख रही हूँ इट डजेंट लुक पैची एट ऑल एंड इसने मेरे अंदर की फाउंडेशन कंसीलर को भी कहीं मूव नहीं किया विच इज अ ग्रेट थिंग. एंड यहाँ पे मैंने बहुत सतर्कों के ब्लश लगाया बट दिस लुक्स वे टू हैवी सो मैं इसको थोड़ा सा अपने स्पंज से अब्सॉर्ब करने वाली हूँ. इट इज एक्सपेंसिव फॉर 3,000 rupees बट आई थिंक इफ यू बाय इट वंस यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ. इन केस यू डोंट वॉन्ट दिस यू कैन जस्ट गो इन सेफोरा या फिर आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन कि ये मिनी साइज अवेलेबल है या नहीं. आई नो ग्लैम डेस्टिनेशन जो इंस्टाग्राम पेज है उनके पास मिनी साइज अवेलेबल होते हैं सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट बिकॉज ये वाला भी विल एटलीस्ट लास्ट यू लाइक 3-4 years एंड आई डोंट इवन नो इतनी इसकी एक्सपायरी है या नहीं है बट लव दीज शेड्स ट्रूथ एंड होप आर माई फेवरेट राइट नाउ. लेट्स पुट सम डेफिनेशन बैक ऑन आर फेस. आई हैव द वॉर्म विशेस एफर्टलेस ब्रॉन्जर स्टिक. इट इज गुड एनर्जी. दिस ब्रॉन्जर स्टिक रिटेल्स फॉर ₹3,300. दिस इज टू मच फॉर अ ब्रॉन्जर स्टिक फॉर समवन जो ब्रॉन्ज ज्यादातर करता भी नहीं है. ऑफ लेटली आपने मेरी लुक्स में देखा होगा मैं सिर्फ ब्लश लगाती हूँ. आई डोंट इवन कॉन्टोर माई फेस नाउ बट आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस बिकॉज ये शेड जब उन्होंने मेरे पे स्वॉच किया आई लव्ड इट. लेट्स जस्ट ट्राई थोड़ा सा इधर लगाती हूँ. एंड सेलेना यूज्ड इट टू डॉट हर फोरहेड सो आई माइट डॉट इट एज वेल. एंड थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे. शुड आई गो फॉर द नोज और वुड आई रुइन इट आई एम नॉट श्योर. लेट्स गो फॉर द नोज बेबी. दिस कॉन्टोर स्टिक हैज मेल्टेड इन माई स्किन लाइक अ ड्रीम. मैंने पहले ब्रश से अपना पूरा फेस ब्रॉन्ज अप करने की एंड ब्लेंड करने की कोशिश की. इट डजेंट लीव एनी हार्श लाइन्स एंड दिस शेड इज द परफेक्ट ब्रॉन्जर फॉर मी. आई मीन यू कैन सी हाउ नेचुरल इट लुक्स. इट डजेंट लुक अ लॉट इन योर फेस. ओके आई हैव टू हाइलाइटर्स. आई वेंट क्रेजी बट मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे. एंड आई वॉन्ट रियली श्योर के आप लोग जितने मेरे क्वर्की स्क्वाड हो उनको लिक्विड हाइलाइटर्स पसंद है या फिर उनको पाउडर वाले हाइलाइटर्स पसंद है. दिस इज इन द शेड आउट शाइन एंड द प्राइस इज ₹3,200. I mean, can you guys see that? मेरे को इसको लेके इसको थोड़ा dim करना पड़ा because it was shining so bright. But look at the luminosity. This is making me glow like anything. एंड ये बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो गया. डजेंट लुक पैची बिल्कुल भी पास से. कोई मेरे पोर्स के अंदर क्लिंग ऑन नहीं कर रहा है. यूजुअली आपको यहाँ पे अप्लाई भी नहीं करना चाहिए अगर आपके लार्ज पोर्स है क्योंकि ग्लिटर जस्ट इनहेंसेस टेक्सचर. नेक्स्ट वी हैव द पॉजिटिव लाइट सिल्की टच हाइलाइटर. दिस इज इन द शेड एक्सिलरेट एंड इसको ओपन करना काफी ईजी है. जस्ट लुक एट दिस. लुक्स लाइक अ बेक्ड हाइलाइटर. मे बी इट इज अ बेक्ड हाइलाइटर. आई मीन इट इज मेड इन इटली एंड एज फार एज आई नो इटली में बहुत अच्छे बेक्ड एंड ब्रिक हाइलाइटर्स बनते हैं. आई थिंक आई एम गोना स्वॉच इट फर्स्ट यहाँ पे. ओफ Just look at this. This is so freaking buttery and it just melts inside your skin and gives a very pretty sheen. इस साइड को मैं अपना शिकार बनाती हूँ and oh my god, just look at it. यार ये कितना सही है. एंड मैं दूसरी फिंगर से इसको हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ. Damn, dude, this is so good. Compared to this, this gives a natural glow. But अगर आपको और ज़्यादा shiny but natural glow चाहिए I feel like this can be your bestie. Little bit on my nose. Wow, this is not little. इसको थोड़ा beauty blender से blend करना पड़ेगा. Yeah, this is better. Both of these highlighters are for 3,200 rupees. You should get this one right here. This is just so beautiful. You can go for this one. This definitely works. मैं ये नहीं कह रही कि ये बेकार product है. बहुत अच्छा product है. It's just a matter of preference. This powder highlighter is giving me more of a buttery, silky and lifted look. So ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है. So I'm gonna use the Always an Optimist Soft Radiant Setting Powder. It is in the shade लाइट. इसके साइड में ये कैप है जिसको आपको थोड़ा ऐसे स्लाइड करना होता है एंड देन ये ओपन हो जाता है. यू जस्ट यूज द प्रोडक्ट एंड देन इसको बैक ऐसे करके स्लाइड कर दो. I'm gonna start with just the tiniest of the amount. The powder is very finely milled. As soon as आप अपने damp beauty sponge से इसको अपनी skin में press करते हो बिल्कुल वो cakiness वाला effect नहीं आता है. It doesn't settle inside your creases and even if you have a few lines or wrinkles around ये उनमें cling नहीं करता है. In fact ये उनको और ज्यादा blurred out type का दिखाता है. How it is making my face look so flawless which is rare. For brows we have the brow harmony shape and fill duo. I have the shade light brown and this retails for ₹3,500. I feel like for a brow product 3,500 is just way too much and also I did not get the product that I wanted. I wanted that one जिसके पीछे वो pencil type का दिया होता है and then spoolie with brow gel दिया होता है. I've seen so many people rave about it in the west but अभी Rare Beauty का वो product यहाँ available Sephora में नहीं था. Like the biggest Sephora साकेत के Select City Walk में नहीं था available which is a bummer. I feel like अगर launch हो रहा है तो सारे product हमको available होने चाहिए. This is what it looks like and इसका भी concept बहुत ज़्यादा amazing है. अगर आप इसको यहाँ से open करोगे you have these two shades. I feel like ये मेरी
ब्राउज पे अच्छे लगेंगे. यू हैव अ मिरर ऑल्सो, इसको आपको ऐसे पुल करना है एंड आपका ये ब्रश निकल जाएगा. दिस इज द एंगल ब्रश जिससे आपको प्रोडक्ट पिकअप करना है एंड देन इसका भी एक ढक्कन है, इसको अगर आप निकालोगे देयर इज अ स्मॉल स्पूली. सो एंगल ब्रश पे मैंने पहले ग्रे शेड लिया जिससे मैंने अपनी आईब्रो आउटलाइन करने की कोशिश की है एंड देन आई वेंट अहेड विद द ब्राउन शेड जिससे मैंने अंदर फिल इन किया है. दिस प्रोडक्ट इज वेरी फॉरगिविंग, अगर आप गलत स्ट्रोक ड्रॉ कर लो फटाफट से हटा सकते हो, मिट जाएगा. एंड द स्पूली ऑल्सो वर्क्ड रियली नाइस. आई हैव टू से फॉर 3500 रुपीज दिस प्रोडक्ट इज सो नॉट वर्थ इट. आई फील लाइक हमारे नायका पे या इंडियन ब्रांड्स में ही ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आई थिंक 500-400 रुपए 800 रुपए तक में इससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे देते हैं. वन थिंग आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई वर देयर लिक्विड आई शेडोज, लाइक अगर आप उनको ऐसे ही लगाओ ब्लश की तरह ही होते हैं एंड देन वो मैट शेडोज में क्रिएट हो जाते हैं एंड आई जस्ट वॉज सो एक्साइटेड टू बाय दैट, बट अगेन दे वर नॉट अवेलेबल एट सेफोरा. सो दिस वॉज द आई शेडो पैलेट विच वॉज अवेलेबल. दिस इज कॉल्ड द डिस्कवरी आई शेडो पैलेट एंड इसका शेड है गिव योर सेल्फ ग्रेस. दिस इज लाइक सो काइंड. इसके अंदर ना फेजेस ऑफ मून के जैसे इतना सुंदर डिजाइन बना हुआ है, लाइक लुक एट दिस, ओ माई गॉड. सो आई टुक द पिंक मैट शेड ऑल ओवर माई लिड, देन आई टुक द पीच एंड द ब्राउन शेड जिसे मैंने अपने आउटर वी में डेप्थ क्रिएट की एंड देन आई टुक दिस गोल्ड शिमर शेड ऑन अ फ्लैट ब्रश एंड एप्लीकेशन में पता चला दिस हैज लाइक डुअल टोन्स जिसमें हल्का सा पिंक टाइप का इफेक्ट भी आ रहा है. आई फील लाइक दिस इज अ वेरी प्रिटी सॉफ्ट ग्लैम सॉर्ट ऑफ लुक, आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट. थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं. द लाइनर शेप इज वेरी वेरी क्यूट, ऐसे पेन टाइप की वाइब आ रही है बट द एक्चुअल फेल्ट टिप इज राइट हियर. आई एम गोना ट्राई टू ड्रॉ अ वेरी फाइन विंग टुडे विद दिस. This liner almost single-handedly ruined the whole look for me. I feel like अगर मैं एक स्मोकी टाइप का इफेक्ट करती तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट इससे इतनी अच्छी तरह मैनेज नहीं हो पाया बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी पास लाओ अपनी लैश लाइन के एंड आई हैव हुडेड आइज तो ये ट्रांसफर हो जाता है एंड आई डिड नॉट लाइक दैट. सो देन करते करते ठीक ये थोड़ा सा मोटा विंग बन गया. आई स्टिल लाइक इट बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट फॉर 2700 रुपीज. आई मीन 400-500 रुपए या मैक्सिमम 600 रुपए में Maybelline के बहुत अच्छे ऐसे फेल टिप वाले लाइनर्स आ जाते हैं. दिस इज द परफेक्ट स्ट्रोक यूनिवर्स वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा एंड द प्राइस इज रुपीज 2400. वेरी थिक ऑल्सो. इंडिया में ज्यादातर जो मस्कारा होते हैं वो काफी पतली उनकी पैकेजिंग होती है बट दिस इज थिक AF. सो दिस इज द डिफरेंस दैट आई कुड फाइंड विद दिस मस्कारा. यहाँ पे मेरी कोई मस्कारा नहीं लगी हुई है एंड दिस इज विद द मस्कारा ऑन. आई मीन इट्स अ गुड मस्कारा, आई एम नॉट गोना लाई टू यू गाइज, दिस इज नॉट द बेस्ट मस्कारा एवर. इट डिड अ गुड जॉब बट यू कैंट सी दैट फ्लटरीनेस ऑफ द लैशेज, दैट एक्सट्रीम वॉल्यूम जो Maybelline Sky High मस्कारा देती है, वॉल्यूम लेंथ मस्कारा देती है एंड दिस डज द सेम जॉब जो Maybelline की एकदम एंट्री लेवल जो येलो वाली वॉल्यूम मस्कारा होती है वैसे टाइप का इफेक्ट दे रही है. ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ लिप प्रोडक्ट्स, कैन यू सी द अमाउंट ऑफ लिप प्रोडक्ट्स आई गॉट. ऑल्सो ये जो ब्लशेस थे उनके दे कैन बी यूज्ड एज लिपस्टिक्स, तो आपको डबल डबल खर्चा करने की जरूरत नहीं है. बट इफ देयर इज एनी सर्टेन स्पेसिफिक फॉर्मूला जो आपको ट्राई करना है, आई एम हियर टू गिव यू ऑल द स्वॉचेस. रियली लाइक दिस शेड, दिस इज द काइंड वर्ड्स क्रेयॉन गिफ्टेड लिप लाइनर. आई जस्ट लाइन माई लिप्स एंड ये बिल्कुल क्रियॉन की तरह ही है. आई फील लाइक दिस इज नेम्ड क्वाइट एप्टली एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक ऑन मी. आई फील लाइक माई लिप्स लुक सो प्लम्प राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस. इसको आप लिपस्टिक की तरह पूरा फिल इन कर सकते हो बट आई डू हैव अ लॉट ऑफ लिपस्टिक्स टू ट्राई. सो इसके साथ ही कॉम्बो में ही रेयर ब्यूटी ने भेजा बिकॉज यू आर सपोज टू यूज द प्रोडक्ट दैट वे. द फर्स्ट लिपस्टिक वी आर गोना ट्राई इज काइंड वर्ड्स मैट लिपस्टिक एंड दिस इज ऑल्सो इन द शेड गिफ्टेड. सो आई थिंक दिस इज सपोज टू बी मैट बट ऑल्सो लाइक अ सैटिन मैट जो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होगा बिकॉज इट इज सपोज टू बी वेटलेस एंड comfortable on your lips. This is such a pretty shade. Oh my god, I'm in love with this lip combo. It does transfer a lot, so you guys can see ये पूरी पुच्ची बन गई है यहाँ पे. So for lips we have the lip souffle matte lip cream. I have two shades right here. The first one is elevate and the plum one is heroic. Elevate washes me out a little bit, but it is still so pretty. I feel like fair skin tones पे बहुत अच्छा लगेगा. And जब मैं right lip liner के साथ इसको pair करूँगी, such as gifted जो मैंने अभी पहले लगाया था, उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा bomb लगेगा. But my favorite is the shade heroic. It is such a pretty pinky plummy color. It is not too dark, not too light. And these matte souffles are supposed to just hide out or blur out anything on your lip like the cracks, the crevices, everything. But again, it is not transfer proof, so don't go in thinking ki aapko bilkul hi ekdam long lasting product milega. Then ye product bahut zyada range mein hai. We have the soft pinch tinted lip oil. The pink one is called Hope and the brownie nude one is called Honesty. And it is very odd, but I like how they taste. Like the lip oil tastes so delicious. So Hope is a very pretty Barbie pink shade, but kyunki lip oil hai, it doesn't show a lot of pigment. Of course, you can layer it, but at the end of the day,
डे ये हल्का सा टिंट ही शो करेगा एंड इट विल मेक योर लिप्स फील सुपर मॉइस्चराइज. इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिप बाम एंड आई फील लाइक इसमें एक कूलिंग मिंटी मेंथॉल प्रॉपर्टी है. आपके लिप्स जलते नहीं है बट बहुत ही ज्यादा ठंडा ठंडा इफेक्ट आता है विच आई एम एंजॉइंग अ लॉट. फॉर मी द विनर वुड बी द शेड ऑनेस्टी. आई फील लाइक दिस विल सूट ऑल इंडियन स्किन टोन्स. ये बिल्कुल भी वॉश आउट नहीं करता है एंड आई लव हाउ व्हेन आई अप्लाई टू लेयर्स ऑफ इट ये बहुत प्यारा एक ब्राउनी शेड बनने लगता है. पूरी वीडियो में मैंने आपको अपना रिव्यू दे दिया है सो यू कैन डिसाइड कि आपको क्या लेना है अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल. द प्रोडक्ट्स दैट आई वुडंट रेकमेंड आर दीज फोर प्रोडक्ट्स. द फर्स्ट वन इज द पोर डिफ्यूजर प्राइमर जो काफी पोर डिफ्यूज नहीं कर पाया मेरे. द सेकंड वन इज द रेयर ब्यूटी मस्कारा जो कि काफी एक नॉर्मल मस्कारा है. इट्स नॉट समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. द नेक्स्ट थिंग इज दिस लाइनर. आई डिड नॉट लाइक इट. इट वॉज वेरी मेसी. एंड द लास्ट वन इज द ब्राउ प्रोडक्ट. इट इज ऑल्सो वेरी एवरेज. आई एम स्टिल 50-50 ऑन दिस आई पैलेट. इफ यू लाइक मी फ्रॉम दिस वीडियो एंड वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thatquirkymiss. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको मेरी लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है. तो आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे विदाउट अ फेल. आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू माई शॉर्ट्स अपलोडिंग रूटीन ऑल्सो लाइक अपलोडिंग एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे. सो इफ दैट इंटरेस्ट यू मेक श्योर कि आप बेल बटन भी दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करो. एंड कॉमेंट करके जरूर बताना वॉट इज दैट प्रोडक्ट जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा इस वीडियो में से. एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.